आप देख सकते हो, हमने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कुछ इस टाइप से अपना फोटो एडिटिंग करने वाला, इस टाइप से अपना हेयर और बैकग्राउंड भी इस तरह से एडिट करने वाले। सिंपली हमारा ओरिजिनल फोटो भी चलना है, पहला फोटो हमारा ओरिजिनल है, इस वाले फोटो को सिंपली शेयर कर लेना स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन में। सो गाइस, शेयर होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देख सकते हो हमने जो अपना गैलरी से फोटो शेयर कर लिया स्नैपशीट, इतना होने के बाद एक टूल वाला आइकन पर क्लिक कर देना और इस वाले ब्राइटनेस को इस तरह से इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से इंक्रीज करने बाद और इस वाले कंट्रास्ट वाले आइकन को भी इस तरह से हल्का सा प्लस कर लेना, ठीक है ना। इस तरह प्लस करने के बाद देखो तो इस तरह से इस वाले सैचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेना और इस वाले अमाउंट को भी हल्का सा प्लस कर लेना, ठीक है ना। जो हमारे फोटो में हाईलाइट को भी इस तरह से इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना, 40 रख लेना, और शेडो को भी इस तरह से प्लस कर लेना, ठीक है। इतने बाद इस वाले आइकन में सिंपली डन कर देना, ठीक है ना। इतना होने बाद हमारा फोटो एकदम व्हाइट हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। इतना होने बाद इस टूल वाला आइकन पर क्लिक करना और देख सकते हो एक सेलेक्ट वाला आइकन दिखेगा, ठीक है ना। सेलेक्ट वाला मैं आइकन बता रहा हूँ आपको, ये वाला सेलेक्ट वाला आइकन पर सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस तरह सेलेक्ट वाला आइकन पर क्लिक करके इस तरह जूम आउट करके और इस तरह से ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना ताकि मेरा फेस वाइट हो जाए, ठीक है ना। इतना होने के बाद फिर से इस वाला आइकन पर क्लिक करना और डिटेल वाला आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने बाद इस तरह से इसको इंक्रीज करना, ठीक है ना। हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। हाई क्वालिटी HD में स्मूथ हो गया, ठीक है ना। इतने बाद लाइन पर क्लिक कर देना जो हमारा फेस भी स्मूथ हो गया, ठीक है ना। इतना होने के बाद इस वाले फोटो को सिंपली शेयर कर देना लाइट रूम में, ठीक है ना। स्नैपशीट पे शेयर कर लिया, स्नैपशीट से मैंने लाइट रूम में शेयर कर लिया, ठीक है ना। इतना मतलब कट वाला आइकन पे कट करना और कलर वाला आइकन पे क्लिक करके इस वाले मिक्स वाले पे आइकन पे क्लिक कर लेना और देख सकते हो इस तरह से 100 सैचुरेशन को इस तरह से येलो टोन को 100 प्लस कर लेना, ठीक है ना। इस वाले ग्रीन टोन को इस तरह से माइनस कर लेना, ठीक है ना, 0 बिल्कुल। इतना होने बाद इस वाले आइकन पे हल्का सा इसको भी इस तरह से कुछ प्लस रख रहा, ठीक है ना। इतना होने बाद कुछ नहीं करना, देख सकते हो गाइस, ठीक है ना। इतना होने बाद इस वाले आइकन पे आना, इस वाले को हल्का सैचुरेशन को हल्का प्लस करना और इस वाले आइकन को भी प्लस कर लेना, ठीक है ना। चलो आइकन को हल्का से प्लस करते हैं, ठीक है ना। इसको 39 प्लस कर लेना लुमिनस को, ठीक है ना। इतना होने के बाद देखते हैं हमारे फोटो में कितना ज़्यादा क्वालिटी है, तो इतना बाद इस वाले आइकन को सिंपली 100 प्लस कर देना और रेड टोन को, ठीक है ना, 100 प्लस कर लेना सैचुरेशन को। इतना होने बाद इस वाले फोटो को सिंपली पिक्सआर्ट में शेयर कर देना। शेयर वाला आइकन पर फोटो जो पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया, देखो कितने HD में हमारा फोटो वाइट हो चुका है, ठीक है ना। इतना होने बाद इस वाले आइकन पर इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना, देख सकते हो स्क्रीन पर इस तरह से इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना। और मैं गाइस जितना भी पेंज अपना हेयर पेंज एड करूँगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में चलो आइकन पे लाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना और इस तरह से अपने इस वाले प्लस वाला आइकन को इस तरह से येलो टोन पे छोड़ देना, ठीक है। इतना होने के बाद इस तरह से रखना है इतना तक, ठीक है ना। इतना रखने के बाद फिर से रेड टूल पे क्लिक करके इस तरह से अपने फेस से इस तरह से इरेज कर लेना, देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से इरेज कर लेना फेस से, अच्छे से मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से इरेज कर लेना ताकि हमारा अच्छे से वाइट हो जाए, ठीक है ना। इरेज कर लेता हूँ जल्दी से, इस तरह से इरेज कर लेना है, ठीक है ना। नंबर डन पे क्लिक करना और फिर से डन कर लेना, ठीक है ना। देख सकते हो गाइस, जैसा मैंने थंबनेल में फोटो बना के दिखा था ऐसा आपको स्क्रीन में अपने वीडियो में बना के दिखा दिया, ठीक है ना। इतने बाद एड फोटो पे चढ़ना है, हमारा हेयर पेंज एड करना है, हेयर पेंज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है ना। चलो आइकन पे क्लिक करना और हेयर पेंज पे क्लिक करके हेयर पेंज एड कर लेना, ठीक है ना। एड करने बाद इस तरह से देखो, इस तरह से इसको रोटेट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। मैं एक बार और बोल देता हूँ आपको, इस तरह से रख के और यूट्यूब पर क्लिक करके और इस तरह से इरेज कर लेना, ठीक है ना। इसी तरह से इरेज करना है ताकि हमारा रियल लगे और बहुत अच्छे से लगे, ठीक है ना। इतने बाद इस तरह से इरेज करने बाद फिर से डन पे क्लिक करना और इस तरह से फिर से जूम आउट कर लेना और इसी तरह से एडजस्ट कर लेना। इसी तरह से कोई एडजस्ट करने बाद फिर से इधर फेस पर आ इरेज कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से इरेज कर लेना, इतना होने बाद फिर से डन पे क्लिक करना और फिर से डन कर देना। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपको मैं दिखा चाहता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। इस तरह से हमने पूरा अपना फोटो समझने में दिखाया, इस तरह से कुछ एडिट कर दिया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह